सर्पदंश की दवा उपलब्ध कराने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी को लिखा भारतीय पत्रकार महासभा के तहसील अध्यक्ष गौरव शर्मा ने पत्र। बैराड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बरसात के मौसम में सर्पदंश की दवा उपलब्ध न होने के कारण हर साल जाती है कई लोगों की जान। बैराड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 70 से 80 गांव लगे हुए हैं, जो अपना प्राथमिक उपचार बैराड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराते हैं और लगभग सभी गांव किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो वर्षा के समय खेती किसानी करते समय सांप काटने की घटना अधिकतर होती है, जिससे कई लोगों की जान भी जाती है, क्योंकि बैराड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्पदंश की दवा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर बैराड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिम्मेदार सर्पदंश की दवा उपलब्ध करा दे तो हो सकता है सांप काटने वाली घटनाओं से कई लोगों की जान बच सकती है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मुझे लगातार किसान भाइयों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैराड़ में सर्पदंश की दवा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हर वर्ष कई किसान भाइयों की जान जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारे किसान भाई खेती किसानी करते हैं, जिससे सर्प के काटने की घटना अधिकतर होती है, और सर्पदंश की दवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध न होने के कारण उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता, जिससे उनकी जान चली जाती है। अतः श्रीमान महोदय से मैंने पत्र लिखा है कि सर्पदंश की दवा जल्द से जल्द बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे हमारे कई भाइयों की जान बच जाएगी। धन्यवाद।